this solution of a partnership firm. This is last chapter of part A. Already I have explained the chapters that NPO, not for profit organization, partnership basic concepts with all the numerical questions, reconstitution of a partnership firm, admission chapter has deleted from the CBSE side, and retirement or death chapter also deleted from the CBSE side. So this is last chapter, dissolution of a partnership firm. After that we will continue our part B. So let's start the chapter. Dissolution of a partnership firm. Meaning of dissolution of partnership firm. According to section 39 of the Indian Partnership Act 1932, dissolution of the firm means dissolution of partnership among all the partners in the firm. Its meaning is, जैसा कि हमने अपने जो अभी प्रीवियस हमने चैप्टर कंप्लीट किए हैं, वहां पर मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर बताया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक बिल्कुल अलग चैप्टर है जिसका हमारी पार्टनरशिप से कोई रिलेशन नहीं है. इसी तरह से पार्टनरशिप में हमने सबसे पहले जो चैप्टर डिस्कस किया था वो था हमारा पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट. कि पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स कैपिटल बाय फिक्स मेथड, बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड, गारंटी वाले क्वेश्चन, इसके बाद हमने वहां पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, गारंटी के पास एडजस्टमेंट, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो हमें पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताते हैं. इसके बाद हमने सेकेंड चैप्टर डिस्कस किया था एडमिशन और सॉरी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि जब एक एग्रीमेंट एंड हो जाता है और फर्म एक नए एग्रीमेंट को अप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन. मींस रिकंटिन्यू ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. कि फर्म एक नए एग्रीमेंट को अप्लाई कर रही है और एक नए एग्रीमेंट के साथ अपनी फर्म को स्टार्ट कर रही है. नेक्स्ट चैप्टर वॉज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, डिस्कस किया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए हैं, लेकिन अभी वो फिलहाल सीबीएसई से डिलीट हो चुका है. लेकिन वहां पर अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो वहां पर हमने कंसेप्ट में पढ़ा है कि जब किसी पार्टनरशिप में एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो नए पार्टनर्स की तरफ से कौन कौन सी चीजें फर्म को दी जाती हैं और किस तरह की एडजस्टमेंट है जो फर्म की तरफ से उस नए पार्टनर के अगेंस्ट में की जाती है, उसके फेवर में की जाती है, जिसके लिए हमने गुडविल को भी वहां पे कैलकुलेट किया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट किया है, हिडन गुडविल के क्वेश्चन किए हैं. तो इसी तरह से अभी वो चैप्टर हमारा फिलहाल डिलीट हो चुका है. इसके बाद हमने रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी प्रीवियस वीडियो में. तो वहां पर हमने सीखा कि जो स्टार्टिंग था, मीनिंग था, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर दोनों टर्म्स लगभग एक जैसी हैं. उसका मतलब है कि सपोज किसी फर्म में कोई पार्टनर काम कर रहा है लेकिन किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है. रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जब किसी फर्म में या किसी पार्टनरशिप में जब दो या तीन पार्टनर मिलकर के काम कर रहे हैं लेकिन कोई एक पार्टनर किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से वहाँ से रिटायरमेंट ले रहा है या अपनी जो उसकी हेल्थ है वो अच्छी नहीं है या वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, तो बहुत सारे रीजन है वहाँ पर उसके रिटायरमेंट होने के. तो इसी तरह से अगर किसी की सडन डेथ हो जाती है तो उन कंडीशंस में जो फर्म है वो किस तरह से या कंटिन्यू करेगी या फिर वहाँ पर रुक जाएगी और कुछ टाइम वेट करेगी और आफ्टर दैट ही विल बी कंटिन्यू. तो इस तरह से हमारा ये लास्ट चैप्टर है हमारे पार्ट फर्स्ट का, जिसमें हम कह रहे हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. कि जहां पर फर्म और पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप के बारे में डिसोल्यूशन की अब कोई समाधान नहीं है और हमें इसको बंद करना है या कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हम इसको बंद करना पड़ रहा है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. की सबसे पहले जो मीनिंग है वो है कि जो भी हमारी साझेदारी है, जो भी हमारे पार्टनरशिप के साथ जो हमारे रिलेशन बने हैं, उस साझेदारी को हमें एंड करना है, अपनी साझेदारी को एंड करना है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर इन द फर्म. अब यहाँ पर दो मीनिंग है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. एक का मतलब है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि जब फर्म को ही बंद करना पड़ जाए,
कुछ ऐसे रीजन की वजह से। दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, इसका मतलब है कि जहां पर कुछ पार्टनर मिलकर के काम कर रहे थे लेकिन अब उनको अपनी जो पार्टनरशिप है उसको कंटिन्यू वो नहीं कर पा रहे हैं और अपनी फर्म को अब डिसोल्यूट कर रहे हैं। इन सच एन इवेंट ऑल एसेट ऑफ द फर्म आर रिलीज। फॉर एग्जाम्पल इस यहाँ पर क्या होगा कि जब फर्म डिसोल्यूशन हो रहा होगा तो उस समय पर फर्म अपनी सारी एसेट्स को सोल्ड बेचना शुरू कर देगी। रिलीज का मतलब है छोड़ेगी, छोड़ेगी मतलब उनको बेचना शुरू करेगी। एंड लाइबिलिटी आर पेड, और अपनी जो एसेट्स होंगी उनको बेचने से जो भी उसकी लाइबिलिटीज उसके ऊपर ड्यू है उनको वो पेमेंट करती चली जाएगी। द सरप्लस बैलेंस इज पेड टू द पार्टनर इन सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। अगर वहां पर किसी एसेट की वैल्यू ज्यादा है, सपोज आपके पास एक लैंड है, लैंड आपके पास 10 लाख रुपीज की है और आपकी लाइबिलिटीज जो पेमेंट करने के लिए है वो 8 लाख रुपीज की लाइबिलिटी है आपके ऊपर ड्यू है, तो आप क्या करेंगे, अपनी जो 10 लाख की लैंड है उसको आपने सोल्ड आउट कर दिया, उसको बेच दिया और अपनी 8 लाख रुपए की जो आपके ऊपर लाइबिलिटी थी उसको आपने पे ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए जो है वो आपके फेवर में सरप्लस में बच रहे हैं, तो उन 2 लाख रुपए को फर्म क्या करेगी, आपके अकाउंट्स में आपके रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ऑफ देयर अकाउंट एंड शॉर्ट फॉल इन मेट फ्रॉम देयर प्राइवेट एसेट्स। लेकिन अगर उन लाइबिलिटीज को पे करने के लिए जो पार्टनर्स की एसेट्स हैं वो कम कीमत की हैं या पैसा पूरा नहीं हो पा रहा है लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, तो फर्म अब आपकी सभी प्राइवेट एसेट्स को भी बेच सकती है या उनको बेचने से भी अपनी लाइबिलिटीज को पूरा करेगी, चुकाएगी। अनलाइक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विच मीन्स ओनली चेंज इन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स एंड द फर्म कंटिन्यूज, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स ओनली डिसॉल्व वाई वंडर। अब वो कह रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वहाँ पर उसका मतलब है कि जब वहाँ पर जो फर्म है, जो पार्टनर है, उनके आपस में जो एक कमिटमेंट है वो काम नहीं कर रहा है या वो एक कमिटमेंट के साथ अपनी जो पुरानी पार्टनरशिप है उसको वो एंड करना चाहते हैं। एंड द फर्म कंटिन्यू, और बाकी 2-3 जो पार्टनर हैं वो वहाँ पर डिसोल्यूट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, और बाकी जो है वहाँ पर एक नए, एक पुरानी पार्टनरशिप को बंद करके और एक नई पार्टनरशिप को हम अप्लाई करते हैं। द फर्म मीन्स ओनली डिसोल्व वाइंड अप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि जहाँ पर अब कोई भी हमारे पास रीजन नहीं है फर्म को चलाने का और हमें उसको वाइंड अप बंद करना ही पड़ेगा, उसके कुछ रीजन्स यहाँ पर क्रिएट होंगे जिनकी वजह से फर्म वाइंड अप होगी। टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, कि किस तरह के टाइप्स हैं जो डिसोल्यूशन में, अब अगर हम पहले यहाँ पर बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कि जब हमारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंजेस, हमारे डिसोल्यूशन हो रहा होगा पार्टनरशिप में, तो वहाँ पर इसका मतलब है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंजेस द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, कि जो भी पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप है वो चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ नया हो रहा है वहाँ पर, रेशियो चेंज हो रहे हैं, बट द फर्म में कंटिन्यू इट्स बिजनेस एज बिफोर। फर्म क्या कर रही है, अपने पुराने रेशियो को नए रेशियो में चेंज कर रही है और एक नए एग्रीमेंट के साथ वहाँ पर फर्म को फिर से स्टार्ट कर रही है, तो और बाकी सब काम उसका एज यूजुअल वैसे ही चलता रहेगा जैसा उसका पहले चल रहा था। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में टेक प्लेस इन एनी ऑफ फॉलोइंग वेज, इसका मतलब है कि जब फर्म वहाँ पर डिसोल्यूशन के टाइम पर भी बहुत सारे चेंजेस होंगे, अगर एक फर्म में एक जो पार्टनरशिप का जो एक्ट था, एग्रीमेंट था, वो आपने अब कह रहे हो कि भाई हमें चेंज करना है, कुछ नया करना है, तो वहाँ पर आपने जो पुराने डिटेल, जो पुराना एक एग्रीमेंट था उसको हटा करके और अपने सभी पार्टनर के साथ मिलकर के एक नए एग्रीमेंट को अप्लाई कर दिया और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, तो इसका मतलब है सपोज अगर किसी पार्टनर के छोड़कर चले जाने से फर्म का नाम चेंज नहीं होगा, फर्म का काम चेंज नहीं होगा, तो उन कंडीशन में क्या होगा कि एग्रीमेंट नया बन जाएगा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नई क्रिएट हो जाएगी और फर्म जो है उसी काम को कंटिन्यू करती रहेगी। तो जब हम ऐसा डिसोल्यूशन के चैप्टर को हम यूज करेंगे तो वहां पर पार्टनरशिप में चेंज आएंगे, और वो पार्टनरशिप के चेंज कब कब आते हैं, कब कब हमें फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूशन, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है कि अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो वहां पर आपका एक रिकॉन्स्टिट्यूशन भी अप्लाई होगा, जिसमें हम कहेंगे कि सबसे पहले चेंज इन एनपीएसआर अमंग पार्टनर्स, कि जो भी पार्टनर्स हैं, एक यहाँ पर डिसोल्व हो रहा है, अगर कोई पार्टनर छोड़ रहा है फर्म को, जा रहा है, और बचे हुए पार्टनर आगे के काम को कंटिन्यू रखेंगे तो वहां पर उनका एक नया रेशो यहाँ पर बन जाएगा, चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग पार्टनर। इसके बाद एडमिशन के टाइम पर भी ये यहाँ पर अप्लाई होगा,
इसके बाद है जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या किसी की डेथ हो जाएगी अचानक से या कोई पार्टनर डिसॉल्व हो जाएगा, तो उन सभी कंडीशन में ये सारे जो हमारे डिसोल्यूशन का जो कंसेप्ट है ये काम करेगा। इसका मतलब जैसे अगर मैं समझाऊं कि एक नए पार्टनर का एडमिट हुआ, एक नया फर्म में एक पार्टनर एडमिशन हो रहा, तो इसका मतलब एक जो पुरानी हमारी रिलेशनशिप थी, एक हमारा जो पुराना पार्टनरशिप का एग्रीमेंट था वो हमारा ओवर हो चुका है और एक नए एडमिशन के साथ हमारा एक नया एग्रीमेंट वहां पर अप्लाई होगा। तो जिसे हम फर्स्ट जो एग्रीमेंट है, जो फर्स्ट हमारा कमिटमेंट है वो हमारा ओवर हो रहा है, तो इसका मतलब जो फर्म जो फर्स्ट पार्टनरशिप थी वो डिसॉल्व हो रही है और सेकंड जो पार्टनरशिप है वो कंटिन्यू हो रही है। तो जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगी, इंसॉल्वेंसी होगी या कॉम्प्लीशन ऑफ द वेन्यूर होगा या एक्सपायरी हो जाएगी, कि आपने सपोज एक पार्टनरशिप को एक फर्म में ए बी सी तीन पार्टनर थे, तीनों ने मिलकर के एक साल का कमिटमेंट बनाया, एक साल के एग्रीमेंट के लिए काम करना शुरू किया, तो एक साल के बाद ऑटोमेटिकली वो जो एग्रीमेंट है वो अपने आप ही क्लैश हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो एग्रीमेंट है वो एक साल के लिए ही आपके पार्टनरशिप के लिए काम करेगा, लेकिन एक साल के बाद उसकी जो डेट है वो एक्सपायरी हो जाएगी और अब आपको वहां पर एक नए एग्रीमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने के लिए। टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो यहाँ पर अब हम डिसोल्यूशन के जो टाइप्स हैं या किन कंडीशंस में फर्म में डिसोल्यूशन होता है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सेक्शन 40, वॉलंटरी डिसोल्यूशन थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग हिज पार्टनर्स, कंसेंसुअल डिसोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कि जो भी हमारे बीच में एक एग्रीमेंट बना है उसको हम सभी साझेदार मिल करके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम उसको ख़त्म कर सकते हैं और जो पार्टनरशिप है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। सभी साझेदार जो भी पार्टनरशिप में पार्टनर हैं उन सभी की सहमति के द्वारा। इसके बाद है कि जो भी उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उस अगर कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाइड है कि आप जब चाहे पार्टनर मिल करके अपने फर्म को डिसोल्यूट कर सकते हैं, एक जो पार्टनरशिप पुरानी पार्टनरशिप है उसको ख़त्म करके एक नए को बना सकते हैं, तो हम हमेशा मतलब डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। यहाँ पर आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपस में उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उनके पास जो एग्रीमेंट है उसमें रिटर्न होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा वो अप्लाई होगा और फर्म में डिसोल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन, सेक्शन 41, कि किन कंडीशन में फर्म को डिसोल्यूट करना ही पड़ता है। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड इलीगल, कि अगर फर्म जो इलीगल काम कर रही है उस कंडीशन में फर्म को बंद करना पड़ सकता है। व्हेन ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, अगर जितने भी पार्टनर हैं उनमें से अगर कोई एक भी चाहे और वो चाहे कि मैं रिटायर्ड हो जाऊं फर्म से, तो आपके सपोज आपने चार पार्टनर ने मिलकर के काम स्टार्ट किया, चार पार्टनर थे ए बी सी डी, अब वहाँ पर ए कह रहा है कि मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, तो आपको अब वहाँ पर अपनी फर्म को डिसोल्यूट करना पड़ेगा कंपलसरी, क्योंकि वो एक बाहर चला जाएगा, तो आपका जो एग्रीमेंट है वो एक साल के लिए था लेकिन वो बीच में ही अगर मना कर रहा है कंटिन्यू करने के लिए, तो आपको यहाँ पर फर्म को डिसोल्यूट करना पड़ेगा। When all the partners or all except one partner die, अगर किसी सभी partner में से किसी एक partner की death हो जाती है तो भी firm को dissolution हो जाएगा। When all the partners or all except one partner are declared insolvent, अगर उनमें से कोई भी एक partner जो है वो insolvent बन जाता है तो भी वहाँ पर दिवालिया हो जाता है, वो अपनी liability pay नहीं कर पाता या काम को continue कर नहीं कर पाता है, उसकी जो reputation है वो अच्छी नहीं है, कोई भी उसको उसके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, तो इस तरह से अगर वो इंसॉल्वेंट है तो भी यहाँ पर फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन अपॉन कॉन्टिंजेंसी इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइडेड, सेक्शन 42, व्हेन द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड, अगर यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कभी अचानक से कोई ऐसी मिस हैपनिंग होती है तो उसकी वजह से भी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। इसका मतलब है कि व्हेन द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म, कि अगर आपने एक फिक्स टर्म के लिए अपनी पार्टनरशिप को अप्लाई किया था लेकिन ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, लेकिन अब उस डेट में जो है वो एक्सपायरी हो चुका है, मान लिया आपने एक ही साल के लिए अपनी पार्टनरशिप को अप्लाई किया था और एक साल आपका पूरा हो चुका है, तो आपको एक नए एग्रीमेंट को वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा और पुरानी जो वो है वो आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। व्हेन द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर प्रोजेक्ट वेन्यू ऑन द कंप्लीशन देयर ऑफ,
अगर कोई आपने जो पार्टनरशिप बनाई थी वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए थी, पर्टिकुलर किसी रीजन के लिए काम कर रही थी, तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वो पुराना जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगी। व्हेन अ पार्टनर ऑफ द फर्म डाई, अगर कोई पार्टनर मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, व्हेन अ पार्टनर ऑफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, और अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट बन जाता है तो भी फर्म में डिसोल्यूशन हो जाएगा। डिसोल्यूशन बाय नोटिस सेक्शन 43। अब यहाँ पर डिसॉल्व भी कर सकती है फर्म को अगर वो नोटिस का यूज करे। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल द फर्म मे बी डिसॉल्व इफ एनी वन पार्टनर गिव्स अ नोटिस इन राइटिंग टू द अदर पार्टनर। अगर कोई एक पार्टनर अपनी पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग एक रिटर्न नोटिस पे दे देता है फर्म को और अपने पार्टनर्स को, तो भी वहां पर फर्म को डिसॉल्व होना पड़ेगा। डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट की यहाँ पर जो इंटरेक्शन हो रहा है अब कोर्ट की तरफ से हो रहा है कि सेक्शन 44, व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम मेंटली डिस्टर्ब और हैज अनसाउंड माइंड, कोई आदमी मेंटली डिस्टर्ब है या काम नहीं कर पा रहा है तो फर्म को बंद करने का ऑर्डर कोर्ट दे देगी। व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, अगर कोई पार्टनर अपनी जो ड्यूटीज है उनको परफॉर्म करने में कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो भी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। व्हेन अ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड whole of his interest in the firm to a third party, अगर वहाँ पर किसी third party के according firm continue कर रही है या उसका interaction ज़्यादा है तो भी firm उसके लिए apply कर सकती है। When a partner relating to the management of the firm, partner deliberately commit breach of agreement, when a partner deliberately commits breach of agreement relating to the management of the firm, अगर वहाँ पर फर्म में जो मैनेजमेंट है वो चाहता है कि जो फर्म है वो डिसोल्यूट हो जाए एक एग्रीमेंट के लिए, एक एग्रीमेंट के साथ, तो वहाँ पर डिसोल्यूशन हो जाएगा। व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, अगर फर्म बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है तो और वहाँ पर कोई भी वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है, कोर्ट कह रहा है, तो इस कंडीशन में भी फर्म को डिसोल्यूट करना पड़ेगा। व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज नॉट जस्ट एंड इक्विटेबल, कि वहाँ पर जो भी कोर्ट व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, वहाँ पर कोर्ट कह रहा है कि अगर फर्म में जो भी पार्टनर है वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने इक्विटेबल पार्ट के लिए, कि जो भी प्रॉफिट है वहाँ पर उनको इक्वल नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं, लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इंसॉल्वेंसी हो रही है किसी नए पार्टनर की, इलीगल फर्म काम कर रही है, तो इस तरह से हम वहाँ पर अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग फर्म को डिसोल्यूट कर सकते हैं, जिसमें हमें सेक्शन 40 डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट का एक प्रोसीजर हम यूज कर सकते हैं। कंपलसरी डिसोल्यूशन किन कंडीशन में होगा फर्म का, ये हमें बताया गया है। डिसोल्यूशन कॉन्टिंजेंसी कब होंगे ये भी बताया, अचानक से कब करना पड़ेगा। इसके बाद डिसोल्यूशन बाय नोटिस, किस तरह से नोटिस के थ्रू भी फर्म को डिसोल्यूट करना पड़ सकता है या किया जा सकता है। डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट की तरफ से भी अगर ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं होती है तो कोर्ट की तरफ से भी नोटिस मिलेगा, अगर ये सारी चीजें वहां पर प्रेजेंट नहीं होंगी तो कोर्ट अप्लाई कर देगा और कोर्ट ऑर्डर देगा कि आप अपनी फर्म को बंद कर दीजिए। नाउ द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की, जब हमारे व्यवसाय की, हमारे काम की समाप्ति हो रही, मतलब एंड हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में उसका क्या मीनिंग है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में उसका क्या मीनिंग है। द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड, इसका मतलब है कि जब बिजनेस हमारा जो है वो एंड हो रहा है, लेकिन हम एक नए जो डिसोल्यूशन, एक नए हमने पार्टनरशिप को अप्लाई किया है, उसमें जो हमारा बिजनेस है वो खत्म नहीं होगा, बिजनेस वही रहेगा, बस एक नया एग्रीमेंट वहां पर अप्लाइड हो जाएगा। द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज, लेकिन जब फर्म डिसोल्यूशन हो रहा होगा तो वहां पर फर्म को पूरी तरह से अपना काम बंद करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने अभी पढ़ा है कि जब कोर्ट की तरफ से कंपलसरी नोटिस आ जाता है, जब हमारी कंडीशंस पूरी नहीं होती तो कोर्ट कहता है कि आपको फर्म बंद करनी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग है कि जब हमारी एक पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, बहुत सारे रीजन है कि हम
इंग्लिश को बंद करना पड़ रहा है और एक नई पार्टनरशिप को स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि जहाँ पर हमें फर्म में कुछ रीज़न, बहुत सारे रीज़न हमने यूज़ किए, बहुत सारे प्रोसेस हमने यूज़ किए, लेकिन फर्म ग्रो नहीं कर पाई या फर्म पर्टिकुलर कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो अब हमें बहुत सारे रीज़न के साथ फर्म को बंद करना ही पड़ेगा। सेकेंड इज सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़, कि हम अपनी जो एसेट्स हैं या जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम किस तरह से सेटल करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर रीवैल्यूड एंड न्यू बैलेंस शीट इज ड्रॉन, कि जब हम डिसोल्यूशन एक नई पुरानी पार्टनरशिप का एंड करते हैं, नई पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर हमें एक रीवैल्यूशन अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जिसमें हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं, रिवेन्यू करते हैं, रीवैल्यूड करते हैं, और अगर वहाँ पर सरप्लस है या डिफिसिट है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो वो सभी हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और एक नई बैलेंस शीट वहाँ पर हमें अपनी जो एसेट्स हैं, रीवैल्यूशन जो एसेट्स हैं उनके लिए बनानी पड़ती है। एसेट्स आर सोल्ड एंड लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ, लेकिन जब फर्म बंद हो रही है, फर्म को डिसोल्यूट करना है, तो वहाँ पर सारी एसेट्स को बेचना पड़ेगा और अपनी सारी लाइबिलिटीज को पे करना पड़ेगा। थर्ड इज कोर्ट इंटरवेंशन, कि कोर्ट कहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा है। कोर्ट डज नॉट इंटरवेन बिकॉज पार्टनरशिप इज डिसॉल्व बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि यहाँ पर फर्म में अगर कोई पार्टनरशिप एंड हो रही है और एक नई पार्टनरशिप हमें स्टार्ट करनी है, तो फर्म में वहाँ पर कोर्ट अप्लाइड नहीं करेगा और इंटरेक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि ये आपस में जो पार्टनर है उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो जब चाहे पार्टनरशिप को एंड कर सकते हैं और जब चाहे पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्म बंद हो रही है, अ फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय कोर्ट ऑर्डर, लेकिन फर्म तभी बंद होगी जब फर्म सेटिस्फाइड हो जाएगा कि फर्म किन रीजन में है और फर्म काम क्यों नहीं कर पा रही है या कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रही है, और इन सब रीजन से जब वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वहां पर वो कोर्ट ऑर्डर देगा, एक नोटिस प्रोवाइड करेगा उस फर्म के लिए और कहेगा कि फर्म को बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिलेशनशिप, क्या इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर कंटिन्यू थ्रू द चेंज फॉर्म, कि यहाँ पर जो भी पार्टनरशिप में एक नया जो इकोनॉमिक रिलेशन बना है उसमें सभी पार्टनर का जो है रेशो जो है या जो फॉर्म जो है वो नया बन जाएगा। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर कम्स टू एन एंड, लेकिन यहाँ पर जो इकोनॉमिक जो उनकी आपस में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो सब क्या हो जाएंगे, आपस में खत्म हो जाएंगे। अब वो वहाँ पर पार्टनर नहीं रहेंगे, वहाँ पर सिर्फ पार्टनर अब नाम के लिए हैं और सबकी एसेट्स को बेचा जाएगा और फर्म की जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे किया जाएगा। क्लोजर ऑफ बुक्स, बुक्स को बंद कहाँ पर करना पड़ेगा, डज नॉट रिक्वायर बिकॉज द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड, यहाँ पर हमें अपनी सभी बुक्स को बंद नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर फर्म का एंड नहीं हो रहा है, फर्म में जो काम है वो कंटिन्यू ही रहेगा, सिर्फ एक जो एग्रीमेंट था वो एंड हो चुका है और एक नए एग्रीमेंट को हम अप्लाई कर रहे हैं। द बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज, लेकिन जब फर्म बंद हो रही है तो हमें अपनी जो बुक्स हैं, जो हमारी अभी तक हमने जो बुक्स पढ़ी है, जो बुक्स मेंटेन की है, उन सबको भी वहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा, वहाँ पर क्लोजिंग करनी पड़ेगी। अदर डिसोल्यूशन इफ मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यहाँ पर कि किसी और तरीके से डिसोल्यूशन कि जो फर्म है उसका डिसोल्यूशन करना आवश्यक नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं और ना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। इट्स नेसेसरी इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन यहाँ पर इसका डिसोल्यूशन करना कंपलसरी है क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन हैं और उसको कोर्ट ने भी हमें एक नोटिस प्रोवाइड किया है, नोटिस भेजा है हमारे लिए और कहा है कि फॉर्म को डिसोल्यूट कर दीजिए। तो इसी तरह से बच्चे आज मैंने आपको एक नए चैप्टर स्टार्ट करके आपको समझाया, जिसमें हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ा। तो इसी तरह से आप इस चैप्टर को कंटिन्यू करिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और जो भी आपके अभी तक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनके अच्छे से रिविजन करिए। सो टेक केयर स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।